जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहे हैं? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड आप लोग बोलेंगे आज ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई है। एक्चुअली मैं शूट कर रही थी हॉरर वीडियो का, और तो मुझे पूरा फील चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा जो आप लोगों की डिमांड है वो आ चुकी होगी या तो फिर इसके बाद आ जाएगी। तो ऑलरेडी माहौल बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो और कौन से वीडियोस देखें। तो फिर राउंड टू हल्का ना ये वाला वीडियो मेरे सामने आ गया था, हॉरर हाउस। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताने की और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए है। एंड राउंड टू हेल के जॉम्बी 2 के जो है 2 पार्ट्स में वीडियो आए हैं, तो जाकर जरूर देख लेना। और भी राउंड टू हेल के वीडियोज आने वाले, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन साल पहले की वीडियो है। ओके, तो आप यहाँ पे शूटिंग करोगे? परफेक्ट, यहाँ हम हॉरर मूवी की शूटिंग करेंगे। देखो भी अपना शूट जो है हॉरर मूवी का रात से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग थक गए तो आराम करेंगे, और सबको अपने अपने रोल याद है ना, तो बहुत बनेगा। और ये जो है गंडी कैंडी क्या बोलते हैं, हीरो है इस मूवी का, तुम दोनों क्रू मेंबर हो। तो और अपनी मूवी का नाम होगा घर में मरा भूत। तैयार हो जाओ सबके सब शाम को, और भूत बन जाइए तू। गंडी कैंडी तैयार हो जाओ। क्या बात है सुल्तान भाई, बड़ी जल्दी भूत का गेट। तेरी प्यारी प्यारी तड़पाए मुझे सारी रात, सारी सारी रात जाग जा। ये तो बड़ी मेहनत कर लिया सुल्तान भाई, तुम्हें भी कुछ एक्टिंग करनी पड़ेगी भूत की। ऑस्कर में जाएगी ये मूवी मेरी एक्टिंग की वजह से। वाह बेटे सुल्तान वाह, क्या मेकअप कराया तूने। चलो भाई तैयार हो जाओ, शूट स्टार्ट है। चलो भाई घर में मरा भूत का शुभारंभ करते हैं नारियल फोड़ के, और ये ऑस्कर के लिए जाएगी पक्का। बाबूजी बाबूजी, मेरा क्या नाम है इस फिल्म में? कंजरी, आपका कंजरी नाम है। बाबूजी कंजरी के रखो तो इतना भाई कंजरी को कंजरी। जय बजरंग बले। ओ लो डायरेक्टर साहब, हो गया ना शूट? कुछ असुम नहीं हुआ है कैंडी, कैंडी कुछ असुम नहीं हुआ है। पिक्चर तो अपनी वैसे ही बली मांग रही थी, ये तो इसकी खोपड़ी से काम चलाना पड़ेगा। बैंडेज वाला भूत। कोई नहीं एक बार और ट्राई करते हैं। नारियल लेके ना हमें दया है, फ्रिज में नारियल रखा हुआ है, हमें भी खाना है। कैंडी सुल्तान, तो एंडी अपना सीन पहला कुछ इस तरीके से है कि तुम किचन में खड़े हो, तो किचन में जाकर तुम कहते हो कि एक महीने का सामान लिया था, मैं एक महीने तो यहाँ रुकूंगा कम से कम। तो अपना कंजरी वहां पे पीछे से निकलता है, कहता है एक महीने क्यों, जब तक मनो तब तक रुक जा, बस इतना डायलॉग जाओ करो।
अबे मुझे ये आवाज ना रही है तुझे भी ना रही है। अबे सही है टिकटॉक वाला ही। अबे ओ भोपुर के मुंह से डायलॉग बोलने मुंह से लिपसिंग ना चलेगी। हाँ डायरेक्टर साहब मुझसे तो यही आवे यही आवे। अबे साले अगर यहाँ काम सही करेगा ना तो आगे चल के मार्वल वालों में काम मिलेगा तुझे। अरे मेरा कद्दू करा है इससे बढ़िया तो मैं अपनी टिकटॉक वीडियो बना उतरूंगा। पत्थर वालों के यहाँ काम करवा रहा हूँ उससे। भौफड़ी के मार्वल कैप्टन अमेरिका आयरन मैन ये होते हैं। क्या ही फिर लूंगी मैं हॉरर का। एक्शन। यहाँ से चले जाओ वरना कांट से जाओगे। कांट अरे बेटे डायलॉग उल्टा बोल दिया तुमने। चल साइड में बोल। एक्शन। किचन का सारा सामान खत्म हो गया। एक काम करता हूँ बाजार से पूरे महीने का राशन ले जाता हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। कट कट कट। अबे गांडू तुझे समझ में ना आ रही है डायलॉग क्यों उल्टा बोले जा रही है। चल साइड में। चल दोबारा। एक्शन। यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। हट 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 भौसड़ी के। अबे क्या है ये कितना सस्ता एक्ट्रेस की बहन की चूत। बोल भोपड़ी के साहब अपना सुल्तान तो है ना जिसे तुम मार रहे थे और मुझे तो शुरू से इस घर में भूत लग रहा। ये VFX कहां से सीखा है? कौन से क्लिप है? जैसे एडिटिंग से हटाया ना वैसे वापस लगा दिए इसे। और ये VFX वाली एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। कौन से VFX? मैं तो कैमरामैन हूं। मैंने तो आज तक VFX को आदमी लगाया। ये साले सबके सब मेरी पिक्चर क्लोक करवाना चाहते। सुल्तान तैयार होता जब एक्टर साला जो लुक लिया है ना सच में है क्रिपी। अरे हमारा फोन कहाँ है? हमें टिकटॉक पे मुद्रा करना है। सॉरी वीडियो बनाना है। अरे इस रूम में तो बहुत अंधेरा है। कैसा घर है ये? ना यहाँ पे लाइट है ना कुछ है। अरे इसे लेटर को भी क्या हो गया? अभी पूछना था इसे भी। और सुन ले अगर इस घर में भूत भी है ना तो भूत का फाड़ दूंगा मैं थोपड़ा। गाली किसने बची है? कौन है यहाँ पे? माँ की गाली किसने बची? कौन आ रहा है? कौन आ रहा
कौन मार रहा है? सामने आ मेरे। भाई कौन है भाई? सामने क्यों नहीं आता? सामने आ मेरे, सामने आके दिखा। अबे सुल्तान तू ओवर एक्टिंग करता है मादर चाप। यहां से चले जाओ वरना गाली देनी पड़ेगी। वैसे डायलॉग तो तू बढ़िया बोल लिया। पागल डर गया मैं भी एक बार। आ उन्हें डरांगे। क्या तुम्हें नहीं लगता इस घर में भूत है? हाँ हमने भी देखा इस घर में भूत है। मैंने खुद से समय देखा अकल वाला भूत। पर बाबूजी को यह बात बताओ तो बाबूजी मानते तो ना। एंडी देखो क्या एक्टिंग करता अपना सुल्तान। डायरेक्टर साहब क्या बात कर रहे हो? पहले सुन तो लो क्या देने की बात हो रही है। बाबूजी की देनी पड़ेगी क्या? क्यों भाई क्या इलाज है इसका? पास में एक पादरी रहते हैं एडवर्ड लॉरेंस, उनको बुला लेंगे। अच्छा पिक्चर तो इस घर में ही शूट करूंगा ऑस्कर वाली। जा भाई लोड़न को लेकर। हां बाबूजी मैं जाऊंगा। मैं जाने आना बाबूजी। हम लेकर आएंगे एडवर्ड लॉरेंस को। बहुत शानदार मेरे बेटे जल्दी कंजरी एडवर्ड लॉरेंस। देसी देसी ना हो या कंट्रोली रे। ये बाबूजी देसी देसी में नाम है पता ना किसके चैनल पे वीडियो चल रही है। लेकिन बाबूजी मेरे जाने के बाद अगर वो घर में दिखाई दे तो उसे जान से मार दियो। एक मत सुन लो साले की, मेरी भी आवाज निकाल सकता हूँ। मार ही देना बाबूजी। पर एड्रेस तो मेरे को पता ही नहीं। बाबूजी बाबूजी सुल्तान हेलो बाबूजी। डायरेक्टर साहब मैं सुल्तान की आवाज है। इस छलावे में मत रहना, याद करो क्या कहा था सुल्तान ने। एक मत सुनो साली, मेरी आवाज मिला सकता। हां हेलो बाबूजी। बाबूजी ओ भोसड़ी वाले बाबूजी। हेलो बाबूजी।
जान से मार दियो। मतलब कि मेरा वेस्ट नहीं हुआ ये सब जो है ना ऐसा माहौल बनाने के लिए एंड या कोई भी वीडियो उठा लो हर वीडियो ही इनकी अमेजिंग है सबसे बेस्ट है क्या ही बोल सकते हैं एंड शुरू से ही बोलते हैं एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं इनकी इन्होंने कहीं शायद से कोर्स वोर्स किया होगा राइट एंड सबसे बड़ी बात इन तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी है तिगड़म जिसे बोलते हैं ना वो चीज़ है ठीक है एंड बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की फ्रेंडशिप देखकर इस तरीके से रहकर और जब भी वीडियो देखोगे हंसोगे जरूर ये बात हो गई है और यस चलिए फिर हम चलते हैं लेकिन जाने से पहले वही कि अगर आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया उतना ही एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करना है शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड ऑफकोर्स जो है राउंड टू हेल के फैंस के साथ में भी एंड मुझे यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना राउंड टू हेल के और वीडियोज आने वाले कहीं आप लोगों से मिस ना हो जाए और मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में सब तक खुद का ख्याल रखिए थैंक यू बाय बाय. Like that.